संत श्री आसाराम जी बापू ने ठान लिया है कि समाज उन्हें कितना ही प्रताड़ित करे, वे समाज का भला करके ही रहेंगे। जरा देखिए कि बापू जी की प्रेरणा से एक सम्मेलन चलाया जा रहा है, जिसमें बापू जी के शिष्यों ने कुछ शोध करके कुछ बहुमूल्य तथ्य समाज को देने की कोशिश की, ताकि समाज में अच्छे संस्कारों की गंगा बहाई जा सके। आइए हम भी इस सम्मेलन का हिस्सा बन जाते हैं। आज पूज्य बापू जी की प्रेरणा कृपा से ये जो दिव्य शिशु संस्कार अभियान चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम चाहते हमारे पड़ोसी कैसे हो, आप बताओ। अच्छे हो, बहुत अच्छा। जिस परिवार में मेरी बेटी विवाह करके जाएगी वो परिवार कैसा हो, अच्छा। हमारे घर में जो बेटी आएगी, जो बहू आएगी, वो कैसी हो, बहुत अच्छे। तो ये अच्छा शब्द क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, संस्कार। इन्हीं संस्कारों से मानव जीवन को ओतप्रोत करने के लिए हमारी संस्कृति ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कारों का विधान हमारे शास्त्रों में विहित है, और उसका सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब एक दिव्य आत्मा जब घर में आने वाली होती है, तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आता है गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत। आजकल की माताएं सोचती हैं कि मेरा जो बच्चा है ना, वो एकदम स्वस्थ भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए। जो माता पिता जैसी संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले खुद स्वयं को वैसा बनाना पड़ेगा। जैसे बीज बोएंगे, जैसे संस्कार डालेंगे, आने वाली संतान वैसी ही होगी। हम बोलते हैं कि गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करना चाहिए, पर कैसे, इसका पूरा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। उसकी एक बहुत सुंदर किट बनाई है और एक बहुत ही सुंदर गर्भ संवाद बनाया गया है, जो माँ और बच्चे के बीच का संवाद है। माता कुछ भी ना करे, केवल 9 महीने तक ये गर्भ संवाद सुने, तो पूरे विश्वस्त होकर हम उसको कह सकते हैं कि आपके घर में आने वाला बालक, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो संस्कारी मिलेगा। क्या आप जानते हो कि जो बर्थ कैनल है, बर्थ कैनल में जो बैक्टीरियाज है, ये जो पेट फाड़ के बच्चा आता है, उसको मिलता है कोई बैक्टीरियाज नहीं मिलते। इसलिए प्राय कितना भी आप वैक्सीन ठोको, कितने भी वैक्सीनेशन करो बच्चों को, ये DPT, PPT, BCR, न जाने कितने वैक्सीन्स हैं, एक भी बच्चा देखना, जितने भी पेडियाट्रिक्स बन रहे हैं, जितने पेडियाट्रिक्स के हॉस्पिटल्स हैं, फुल है। अगर बच्चों को वैक्सीन से अगर लाभ होता तो इतने बच्चे बीमार क्यों, आपको क्या बताऊं। ये मेडिकल साइंस ने केवल इकोनॉमी के सामने, इकोनॉमी के लिए इतने निचली स्तर पे जा चुके हैं कि आपको पता ही नहीं असली साइंस क्या है। मूलबंध को हम हमारी मतलब मेडिकल लाइन में हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। मतलब क्या करना है कि जो एनाल पार्ट होता है ना हमारा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो मूलबंध जो होता है ना, हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से 9 महीने तक कंटिन्यू करते हैं ना, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स के जब सेम जींस होते हैं ना, तो आने वाले बच्चे का जींस होता है ना, विच इज रिसेसिव जींस, उसको रिसेसिव DNA बोलते हैं, प्रच्छन्न जीन बोलते हैं। तो उससे जो बच्चा जो होता है ना, माता पिता तो कुछ नहीं, मतलब बच्चे सफ़र करते हैं, वो बच्चा डिसऑर्डर वाला आ जाता है। मतलब वो मेंटली फिजिकली सब वो बेचारा मतलब डिसऑर्डर वाला होता है। आप समझ सकते हैं, वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि लड़के लड़कियों को मतलब सेम मतलब समान गोत्र में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, इसका रीजन यह है। बापूजी की आज्ञा से महिला उत्थान मंडल की बहनें जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव में जाकर ऐसे सम्मेलन आयोजित करवा रही हैं, जिसमें वैद्यों की सलाह और संतों का ज्ञान और अनुभवी लोगों की राय के साथ साथ वह दुर्लभ औषधियां भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे बालक स्वस्थ, संस्कारी और दिव्य बन जाता है।